हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल में देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th से एक डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बीएससी के स्टूडेंट के लिए भी ये इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में काम में ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, हम इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इंटीग्रेशन हमको दे रखा है, इसकी लेफ्ट साइड को हम आई के बराबर में मान लेते हैं और राइट साइड में जो टर्म दी हुई है, ये हमको इसका आंसर लाना है, प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको आई के बराबर में ले लेते हैं। तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 से 90 लिमिट लोग साइन एक्स डी एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी पुट कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है। उस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक्स के स्थान पर हमको ए प्लस बी माइनस का एक्स पुट करना पड़ता है। यहाँ पर ए लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास 0 लोअर लिमिट है और पाई अपॉन 2 अपर लिमिट है। तो अगर हम इसको यहाँ पर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, यानी कि पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। इसको हम जो इंटीग्रेशन हमने माना हुआ है उसमें x की जगह पर अभी हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास अब हो जाएगी i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 90 log साइन और x की जगह आ जाएगा 90 माइनस एक्स और dx, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें मालूम है log साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 0 से पाई बटा 2 लोग और ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 और 2 को जोड़ने पर। तो देखिए, लेफ्ट साइड को जब हम जोड़ेंगे तो आई और आई मिलके 2i हो जाएगा, ठीक है। इधर हो गया 0 से 90 लोग साइन एक्स, ये इक्वेशन नंबर 1 से आ गया। और इक्वेशन नंबर 2 से आ जाएगा 0 से 90 लोग कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके बाद आप क्या होगा, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट और डी एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इंटीग्रेशन की लिमिट और डी एक्स को हम एक ही बार लिखेंगे और जो इनके बीच में फंक्शन लिखे हुए हैं ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा लोग साइन एक्स प्लस लोग कॉस एक्स और ये आ जाएगा डी एक्स। अब हमें मालूम है कि लोग में अगर दो फंक्शन ऐड करके लिखे हुए हो तो उनके फंक्शन को हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं एक ही बार, यानी कि इस तरीके से लोग एम एन, एम प्लस एन को लोग एम प्लस लोग एन को लोग एम एन लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर अब हम इसको लिखेंगे 0 से 90 लिमिट लोग साइन एक्स और इनटू कॉस एक्स और डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमें मालूम है कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर साइन एक्स इनटू कॉस एक्स तो लिख रहा है लेकिन 2 नहीं है, तो हम यहाँ पर साइन एक्स इनटू कॉस एक्स में अंश और हर में
न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अंश और हर के अंदर दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा लोग 2 sin x और इंटू कॉस एक्स और अपॉन 2। तो ये हमने इसके न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर दो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो 2 sin x cos x है उसकी जगह पर तो हम sin 2x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से 90 लिमिट में लोग sin 2x और अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला हम और अप्लाई करेंगे। हमें मालूम है कि log m माइनस log n इक्वल टू हो जाता है log m अपॉन n। तो ये log m अपॉन n के रूप में है, तो इसको log m माइनस log n करके लिखेंगे और जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो दोनों फंक्शन के साथ अलग अलग हो जाएगी। यानी कि इसको अब हम लिख सकते हैं 0 से 90 लिमिट log sin 2x dx और माइनस 0 से 90 लिमिट के अंदर log 2 dx। ये दो फंक्शन हमारे पास अलग अलग हो गए। अब देखिए पहला सेकंड नंबर की जो टर्म है, सेकंड नंबर का जो इंटीग्रेशन है ये log 2 है, log 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के अंदर हमको मालूम है केवल dx का इंटीग्रेशन करना होगा जो x आएगा और उस x में ही 0 और पाई अपॉन 2 की जो लिमिट है वो अप्लाई होगी। तो ये तो बिल्कुल ईजी है इसको सॉल्व करना। अभी हम यहाँ पर log sin 2x के बारे में सोचते हैं कि इसको आगे क्या करना है हमें। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि sin 2x जो लिखा हुआ है इसको पुट कर लेते हैं। तो log sin 2x के अंदर से 2x को हमने t पुट कर लिया, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2dx इक्वल टू dt। यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं dt अपॉन 2 और इससे जो हमारा इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। तो पहले तो हम लिमिट में देखते हैं क्या चेंज आएगा कि जब x की जगह पर हम ये लोअर लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे तो 2 × 0 यानी t की वैल्यू 0, तो लोअर लिमिट 0 ही रहेगी। और जब x की जगह हम पाई अपॉन 2 रखेंगे अपर लिमिट को तो 2 से 2 कैंसिल होकर के t की वैल्यू पाई आएगी, तो ये लिमिट पाई हो जाएगी और जो फंक्शन है वो हो जाएगा log sin t। ठीक है, और dx की जगह हमको लिख देना है dt अपॉन 2 माइनस सेकंड टर्म। अभी हम एज इट इज लिख लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे दोनों फंक्शन का, इतना हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो dt अपॉन 2 था इसमें से ये 1 अपॉन 2 तो बाहर आ जाएगा, चलिए इसको बाहर ले लेते हैं, ये 1 अपॉन 2 बाहर आ गया। अब 0 टू पाई log sin t और dt माइनस 0 से पाई अपॉन 2 log 2 dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर जो 1 है, हमको मालूम है इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास लिख रहा है I इक्वल टू 0 से 90 लिमिट है और log sin x है और dx है। अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं फर्स्ट टर्म को, तो लिमिट 0 से पाई अपॉन 2 की जगह पर 0 टू पाई है और फंक्शन सेम है, केवल जो वेरिएबल है वो x की जगह पर t है यहाँ पर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल को x से वापस t में और t से वापस x में हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन पाई जो लिख रहा है इसको पाई अपॉन 2 अगर हम कर देते हैं तो पाई अपॉन 2 करने से इस पूरे इंटीग्रेशन की जगह पर हम यहाँ से i पुट कर सकते हैं, यहाँ से ये i की वैल्यू बन जाएगी। तो लिमिट में पाई बटा 2 करने के लिए इंटीग्रेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट में 2 से डिवाइडेशन हो जाएगा। अगर लिमिट में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो इंटीग्रेशन में 2 से डिवाइडेशन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर एक तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लिमिट 0 से अपर लिमिट में 2 से डिवाइडेशन हो जाएगा, तो पाई अपॉन 2 हो गया और ये हो जाएगा log sin t dt
माइनस 0 टू 90 लॉग 2 और ds, ठीक है। अब वापस इक्वेशन नंबर 1 बनाने के लिए यहाँ पर फिर से हम एक काम कर सकते हैं कि t की जगह पर x पुट कर लेते हैं, तो dx बराबर dt हो जाएगा हमारे पास। तो t की जगह पर सभी जगह पर x हो जाएगा, dt की जगह पर dx हो जाएगा। जब t इक्वल टू x है तो x की जो लिमिट है वही t की रहेगी, और जो t की लिमिट है वही x की रहेगी, और दो से दो कैंसिल हो ही रहा है यहाँ पर ये वाला। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो होगा 0 से पाई बटे दो लिमिट होगी इसकी, और log sin x हो जाएगा ये फंक्शन, और dt की जगह पर dx आ गया माइनस 0 टू पाई अपॉन 2 और log 2 dx, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम आगे इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये इंटीग्रेशन आई हो गया, बराबर में हमारे पास 2i चल रहा है और ये आई हो गया माइनस, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log 2 कांस्टेंट हो गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट इसकी 0 से पाई अपॉन 2 आ जाएगी, ठीक है। इस i को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो 2i माइनस का i हो गया इक्वल टू माइनस log 2, और ये हो जाएगी x में पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी, माइनस का निशान फिर लोअर लिमिट लिखेंगे, तो ये टोटल मान हो गया इसका पाई अपॉन 2। तो इधर से 2i में से i को कैंसिल किया तो i बचा, और यहाँ हो गया माइनस पाई अपॉन 2 और log 2। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करने के लिए लिया है हमने उसको i माना था, और i की वैल्यू माइनस पाई अपॉन 2 log 2 हो गई। तो ये हमको प्रूफ करना था इस सवाल में। तो अब हमने यहाँ पर क्या प्रूफ किया डियर स्टूडेंट्स, 0 से पाई अपॉन 2 लिमिट log साइन एक्स डीएक्स इक्वल टू हम आंसर लिया है माइनस पाई अपॉन 2 log 2, और यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। तो देखा आपने सबने कितना आसान प्रश्न था ये, 12th क्लास की एग्जाम के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि log sin x का इंटीग्रेशन 0 टू पाई लिमिट के अंदर माइनस पाई अपॉन 2 log 2 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर आज नया है तो उसको कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देख करके कुछ सीख सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक यू।